Jain to all of you, my name is Atul Dhiman and welcome to this Abhipedia platform powered by Abhimanyu IAS. और आज जो है इस टॉपर टॉक सीरीज के अंदर हम लोग मिस्टर रोहन बागवंत से बात करेंगे. ही इज ऑल इंडिया टॉपर रैंक 200 इन द सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस असिस्टेंट कमांडेंट इन 2019. तो रोहन बागवंत के बारे में इनका बहुत अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं जो हम लोग कवर करेंगे. फॉर एग्जांपल, एक लड़का जो केंद्रीय विद्यालय से पढ़ा हुआ है एंड आफ्टर कंप्लीटिंग हिज बीटेक from a very reputed university, he got very decent job of 8 to 9 lakh per annum salary. और अच्छी एक life इनकी settled थी. But the point is कि वो कहते हैं ना कि एक आग होती है अंदर कि मुझे कुछ adventure करना है, मुझे एक community को return करना है. तो that's why he decided कि यार let's go with the administration, let's become a civil servant. हाँ, it was challenging, it was risky also financially, emotionally, from every aspect. But he took that challenge. और उसके बाद he had given n number of mains, मतलब 6 mains इन्होंने दिए थे. यूपी पीसीएस, पंजाब सिविल सर्विसेज, जो एक्चुअल जो हमारा सेंट्रल सिविल सर्विसेज का एग्जाम है उसमें इन्होंने 2 बार मेन्स दिए, हरियाणा सिविल सर्विसेज और हिमाचल सिविल सर्विसेज. और दिस वॉज हिज थर्ड अटेम्प्ट इन द सीएपीएफ एसी एग्जाम. तो थर्ड अटेम्प्ट में इन्हें जाके सक्सेस मिली. और वो जो कहते हैं ना कि जो इनिशियल गोल था और अल्टीमेट जो इनको मिला वो आफ्टर पुटिंग ऑल हिज हार्ट एंड सोल फॉर 6 years, 6 साल का इनका जर्नी रहा है. सो वेलकम टू दिस अभिपीडिया प्लेटफॉर्म रोहन, हाउ आर यू? थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच. फाइन, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. सो रोहन, आप पंजाब से आते हैं, राइट? जी. ओके, सो व्हाट आई हैव सीन कि जो पंजाबी होता है, पंजाबी कम्युनिटी से बिलोंग करता है कोई भी स्टूडेंट, तो उसका एक थॉट रहता है कि यार मुझे जाना है अब्रॉड, मतलब कनाडा, या कनाडा बोल सकते हैं पंजाबी में. तो ये थॉट आपके दिमाग में आया कि नहीं आया, या आपके दिमाग में वही कीड़ा था कि कुछ सिविल सर्विसेज वाला मेरे करना है मुझे? नहीं, अब्रॉड वाला मेरे दिमाग में कभी नहीं आया. एक्चुअली व्हेन आई वाज इन थर्ड ईयर ऑफ माय कॉलेज तब से ही दिमाग में ये चलना स्टार्ट हो गया था कि सिविल सर्वेंट ही बनना है और इसी लाइन में ही जाना है. सो आफ्टर क्लियरिंग माय ग्रेजुएशन, आफ्टर क्विक माय ग्रेजुएशन 2017, आई जस्ट ऑप्टेड टू गो फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन. तो उसमें आने के बाद मेरे को सीएपीएफ के बारे में पता लगा. पहले इस एग्जाम का कोई आइडिया भी नहीं था कि ऐसा कोई एग्जाम होता है. जब सिविल सर्विस एग्जाम देना स्टार्ट किए उसके बाद समझ आई कि ये भी एग्जाम है, एक बहुत बड़ा लेवल का एग्जाम है, तब मैंने ये एग्जाम देना स्टार्ट किया. ओके, तो जैसे आपने देखो 6 mains दिए हैं, 6 mains मतलब 6 साल की एकदम कड़ी मेहनत, और साथ ही साथ मिनिमम 6 years तो आपने इस चीज के लिए इन्वेस्ट किए होंगे, या 5 साल की होंगे, है ना? तो उस टाइम पे जब आप फेलियर में, जब प्रोसेस चल रही थी फेल की, यू हैव गिवन, आई थिंक 2018 में आपने बेरेट आउट हुए हो सीएपीएफ के अंदर भी. तो उस टाइम पे दोबारा से नीचे गिरना एंड देन दोबारा से ऊपर उठना, तो वो प्रोसेस के अंदर आप किस तरीके से अपने आप को बूस्ट करते थे? सबसे बड़ी स्ट्रेंथ तो मेरे पेरेंट्स, मेरी सिस्टर, मेरे जीजू, इन सब लोगों ने मेरे को मोटिवेट किया कि मैं छोड़ू नहीं, करता रहूं बार बार. बहुत फेलियर्स देखे राइट आफ्टर वन अनदर. एक मेज लिखता था फिर आउट, फिर प्री लिखा, किसी मेज में आउट हो गए, कहीं इंटरव्यू पहुंचे. सीएपीएफ में लास्ट टाइम मेरा 3-4 marks से रह गया था. फेलियर्स बहुत ज्यादा है, पर हर बार अपने को ये बूस्ट किया कि नहीं यार ये करना है, सोचा है तो ओखली में सिर दिया तो मोलियों से क्या डरना, ये कहावत है ना, तो बस वही सोच के बार बार देते रहे इसके अंदर. और पेरेंट्स का बहुत ज्यादा इसमें साथ रहा है. ओके ओके, सो एक तरीके से अगर बात की जाए, आपका जो स्कूल का जो कहते हैं ना एक्स्ट्रा को करिकुलम एक्टिविटीज, जिसमें आपने नेशनल लेवल पे बैडमिंटन भी खेला, तो वो जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है वो तो आप में पहले से ही थी. और द पॉइंट इज कि चैलेंजेस आते रहे, मुझे उठना है और मुझे काम करना है, दैट इज व्हाट माय बिजनेस इज. बिल्कुल यही रहा है. हाँ. बिल्कुल बिल्कुल. और एक्चुअली मेरी हॉबीज भी ऐसी थी ना कि खेलना है, सिंगिंग इज माय हॉबी, तो उधर से भी मेरे को लगता था कि जैसे कभी डाउन देखा तो रात में आए गाना गा लिया, यार कोई नहीं, कोई बात नहीं, दोबारा लग जाते हैं, कर हर मैदान फतेह मेरा फेवरेट सॉन्ग है, तो जब भी कुछ होता है तो मैं वो गाना सुन लेता हूँ, चलो ठीक है यार कोई बात नहीं, दोबारा कल से लगेंगे, एक न्यू स्टार्ट देंगे इस चीज को. तो वो कर करके एक प्रोसेस था पूरा, ये जो पूरा चलता रहा एंड फाइनली मिल गई सक्सेस.
एंड ये जो असिस्टेंट कमांडेंट की जॉब है, मतलब ये कोई नॉर्मल जॉब नहीं है, बहुत ज्यादा लोग इसके लिए लगे रहते हैं, कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है, और रियलाइजेशन तब पता चलती है जब लोग एक एक मार्क्स से रह जाते हैं, और सिलेक्शन होने के बाद भी एक थोड़ा टाइम लग जाता है अल्टीमेटली ट्रेनिंग अंडरगो करने के लिए, एंड इट इज वेरी प्रेस्टिजियस जॉब ऑल्सो, एंड एट द सेम टाइम चैलेंजिंग, और एट द सेम टाइम आपको रिवॉर्ड्स भी मिलते हैं, आपको एक तरीके से बोलते हैं ना, जैसे आप अभी जाने वाले हो, आपकी प्रेफरेंस क्या थी वैसे? प्रेफरेंस मेरी थी CISF, SSB, then ITUP, CRPF, and then BSF. Okay. तो ऐसी मुझे लगता है कि ऐसी कोई भी ऐसी जॉब नहीं होगी जहां पे आपको पहले दिन जब आप ट्रेनिंग से बाहर निकल रहे हैं, आपके कंधे पे 3 स्टार्स लगे हुए हैं, और आपका एक ऑर्डर पे 150 बंदा 130 बंदा फ्रॉम द कॉन्स्टेबल टू इंस्पेक्टर आपकी सुनने के लिए तैयार हो जाता है. तो आई थिंक बहुत बड़ी चीज होती है ये चीज. बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज्यादा बड़ी चीज है. जो इसका जब रिजल्ट आया तो उस टाइम पे जो खुशी हुई ना, वो मैं बता नहीं सकता कि क्या हुआ. मेरी और मेरी मदर साथ बैठे थे, जब दोस्तों की कॉल वगैरह है कि तेरा नाम लिस्ट में, मैंने देखा भी नहीं था अपनी लिस्ट के अंदर नाम. तो उस टाइम पे जो फीलिंग थी ना, वो एक्सप्रेस नहीं कर पाता कि इतने सालों की मेहनत रंग ला गई एक टाइम पे आके, और वो सेंस कि हाँ अब मेरे को मौका मिलेगा अपने देश को सर्व करने का, वो मोमेंट बहुत प्राउड मोमेंट था. अच्छा, वो आपके लिए तो ऑब्वियसली आपके लिए तो बहुत ही एक मोमेंट, बहुत जबरदस्त मोमेंट होगा, लेकिन व्हाट एग्जैक्टली इट इज कि अपने माँ बाप के लिए जो मोमेंट होता है, वो मोमेंट आप बताओ यार, कि मतलब हाउ वाज दैट मोमेंट, पापा मम्मी कैसे वो फील कर रहे थे कि यार सेट है, अब तो सब सिस्टम सेट है. बस रिजल्ट देखते ही मम्मी को बताया तो हम दोनों ने हद किया, जस्ट वी स्टार्टेड क्राइंग. कुछ बोल नहीं पाए, मतलब कुछ हम लोगों को समझ नहीं आया कि यार क्या करें, तो सीधे रोना स्टार्ट हो गए, क्योंकि खुशी के आंसू थे, वो एकदम से कंट्रोल नहीं हुए. okay, तो बस हो गया, पापा को बताया, पापा उस टाइम पे कुल्लू पोस्टर थे, पापा भी नेक्स्ट डे भागे. okay. okay. तो जब रिजल्ट आया तो मतलब ऐसा था कि हम कुछ सोच भी नहीं पाए एकदम से, जैसे दोस्तों का फोन आया पता लगा कि क्लियर हो गया है, तो जस्ट मेरी मम्मी और मैं बैठे थे और हम दोनों बस एक दूसरे का हग किया और दोनों रोना शुरू हो गए, मतलब कंट्रोल ही नहीं हुए आंसू उस टाइम पे, खुशी के आंसू इतने ज्यादा थे, दैट मोमेंट ओवरपावर्ड अस और कुछ कंट्रोल नहीं हो पाया. पापा कुल्लू बैठे थे उस टाइम पे, आगे वो भी भागते आए. अच्छा 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 तो ये सारी चीजें पता है कब होती है, जब बंदा वो देखो हम जैसे यूथ जो होता है आज के टाइम पे, यूथ लगा हुआ है अपनी मेहनत करने के लिए, और फाइनेंशियल स्ट्रेस होता है ना, इमोशनल स्ट्रेस होता है, पेरेंटल कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्ट्रेस हो जाता है, तो ये सारी चीजें निकलने के बाद बंदा जब वॉरियर बनता है ना, जब रिजल्ट आता है, तो उसका जो वॉरियर बनने का जो प्रोसेस होता है वो उसी टाइम शुरू हो जाता है जब वो ये सारी चीजों को ओवरकम करके अल्टीमेटली रिजल्ट लेकर आता है. तो यू नो ये कुछ अलग ही एक प्रोसेस होता है जो ऊपर वाला हमारे को आपको चैलेंजेस देता है, आपको बिल्ड करता है उस चीज के लिए, राइट? तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे आपने CISF भरा, तो CISF किस बेसिस पे आपका ये जो CISF का फर्स्ट ऑप्शन था, ये क्यों आपने भरा था? ज्यादातर CISF भरते हैं तो आपके एक दो तीन पॉइंट्स ऐसे हो यूनिक टाइप जो आपने प्रिपेयर किए थे इंटरव्यू में, और शायद वो आप बता सके. एक्चुअली मेरे पापा वर्क करते हैं एक PSU है नेम्ड NHPC, नेशनल हाइड्रोलिक पावर कॉर्पोरेशन. बचपन से ही मैं CISF के लोगों को ही वहां देखता है, क्योंकि CISF इंडस्ट्रीज और डैम्स वगैरह की सिक्योरिटी के लिए यूज होती है, तो बचपन से ही मैं उन्हीं के बच्चों के साथ पढ़ा हूँ. केंद्रीय विद्यालय में था तो उन्हीं के बच्चे थे वहाँ पे, तो वो जो सेंस ऑफ कनेक्शन है ना उसके साथ, CISF के साथ, वो बहुत ज्यादा था मेरा. तो वो फर्स्ट प्रेफरेंस मैंने भरी थी, मेन रीजन उसके लिए ही था CISF का मेरा. ओके ओके. एंड रोहन, आपका हॉबीज वगैरह, जैसे आपने बोला सिंगिंग वगैरह या आपने और भी कुछ हॉबीज बोली थी, तो अभी एट प्रेजेंट क्या कर रहे हो आप, कि रिलैक्स कर रहे हो या फिर अपनी ट्रेनिंग की तैयारी कर रहे हो या फिर मेंटली प्रिपेयर कर रहे हो, कि कुछ भी हो सकता है ट्रेनिंग में? राइट नाउ आई एम जस्ट प्लेइंग बैडमिंटन. शाम को जाता हूँ, बैडमिंटन खेलता हूँ, अपना चिल कर रहा हूँ, और थोड़ा बहुत देख रहा हूँ ट्रेनिंग के लिए भी. हल्के हल्के जिम स्टार्ट किया है क्योंकि आदत बिल्कुल नहीं है करने की ये सब फिजिकल एक्सरसाइजेस वगैरह, तो अब वो सब भी स्टार्ट किया है. अच्छा, तो बैडमिंटन तो चल ही रहा, अपना हॉबी तो चल ही रही है. ओके ओके. सो रोहन, अब हम लोग डायरेक्टली बात करते हैं स्ट्रेटजी फॉर पेपर वन की.
तो एक कंसाइज तरीके से आपकी क्या स्ट्रेटेजी रही, या ठीक है आपने कुछ गलतियां की होंगी, 3 बार तो अटेम्प्ट आपने भी दिए हैं, तो एक करेक्ट स्ट्रेटेजी फॉर दी अपकमिंग एस्पिरेंट जो पेपर देगा उसके लिए क्या होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू यू? फॉर ज्योग्राफी सब्जेक्ट, लेट्स टॉक अबाउट ज्योग्राफी सब्जेक्ट, तो क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए? अगर मैं ओवरऑल पहले एक बात करूं तो उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना। जो मैंने गलती फर्स्ट टाइम में की थी, मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख के ही नहीं गया था, तो मुझे आइडिया नहीं था कि वहाँ पे क्वेश्चन का लेवल किस तरह का आता है, क्योंकि मैं सिविल सर्विस का एग्जाम दे रहा था, तो वहाँ का मेरा जब प्रीलिम्स हुआ तो मैं उसकी तरह ही यहाँ पे चला गया देने के लिए सीबीएस के लिए। पर सीबीएस में पेपर जो थोड़ा सा अलग सा आता है, उसके अंदर क्वेश्चन आएंगे कि ये अवार्ड किसने जीता, अभी ये रिसेंट अवार्ड किसको मिला है, मतलब इस तरह छोटे छोटे क्वेश्चन भी वहाँ पे आते हैं जो मैं मिस कर गया था उस टाइम पे, इस देश का प्राइम मिनिस्टर कौन नया नया बना है। तो वो वाले क्वेश्चंस जो है हमें वो तभी पता लगे जब हम प्रीवियस क्वेश्चन देखेंगे। तो सबसे पहले तो आपको वही सब देखना है। अगर आप सब्जेक्ट वाइज पे आए तो जैसे ज्योग्राफी है, तो ज्योग्राफी के लिए तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको 11 12th की एनसीईआरटी पढ़नी है, वो तो बहुत मस्ट है। ठीक है, उसके बाद आपको जाना है गोचेन लियोंग का, पढ़ सकते हो। हाँ जी, अगर आप इतना कर लेते हो आप एक बेसिक तो ज्योग्राफी कर ही लोगे। उसके अलावा आपको फैक्ट्स इकट्ठे करने हैं, आपको इसके लिए एग्जाम के लिए फैक्ट्स भी पढ़ने पड़ेंगे थोड़ा, क्योंकि ज्योग्राफी के अंदर फैक्ट्स पूछ लेते हैं कि ये स्टेट का नाम दे दिया, ये किसके इसके बीच में है, तो आपको इन सब की प्रिपरेशन भी करनी पड़ेगी अलग से, अगर ये एनसीईआरटी में नहीं भी गिवन है तो। इसके लिए आप यूट्यूब पर वीडियोज बहुत सारी हैं, वो सब देख सकते हैं। एक राज तनिल मैम की वीडियोज आती हैं ज्योग्राफी की, आप वो सब देख सकते हैं। और अगर हम उसके अलावा आपके पास हिस्ट्री के लिए क्या होना चाहिए ऑप्शन, लाइक स्टूडेंट के लिए जो प्रिपेयर कर रहा है? सी, आपका थोड़ा सा सिविल बैकग्राउंड रहा है, लेकिन कोई डिफेंस एस्पिरेंट है तो उसके लिए एक कट थ्रू कट एकदम सही डायरेक्शन क्या हो हिस्ट्री के लिए, कि वो सीधा क्या पकड़े हिस्ट्री के लिए? अगर एक बेसिक मिनिमम की बात करें तो एंशियंट और मिडिवल के लिए तो हमें पता है वो रमेश सिंह और सतीश चंद्रा की जो बुक आती है, अगर बंदा वो दोनों कर ले तो उससे काम हो जाता है। और मॉडर्न के लिए स्पेक्ट्रम अपनी आती है विपिन चंद्रा सर की, तो वो करने से काफी हद तक हो जाता है। एक्चुअली हिस्ट्री बहुत एक ज्यादा वास्ट सब्जेक्ट है, तो आप हर चीज को कवर नहीं कर पाएंगे, पर कोशिश ये होनी चाहिए कि मॉडर्न हिस्ट्री जो जिसमें से क्वेश्चन थोड़े आसान आते हैं वो गलत नहीं होने चाहिए, उसके लिए पूरा प्रिपरेशन करना चाहिए। और एंशियंट मेडिवल में तो थोड़ा बाहर से भी अगर आ जाए तो चलता है, आप उतना कवर कर सकते हो, अगर छोड़ भी जाओ उस चीज को उतना, तो अगर बेसिक ये दो बुक्स कर ले तो एंशियंट मेडिवल तो भी कवर हो जाएगी हिस्ट्री का। तो आर्ट एंड कल्चर का जहां तक मेरे को लगता है इस पेपर में इतने क्वेश्चन नहीं आते हैं। आर्ट एंड कल्चर सब्जेक्ट एक ऐसा है जिसको आप थोड़ा सा छोड़ सकते हो अगर आप चाहो तो। तो बेसिकली जैसे एनसीईआरटी थीम्स भी पूछी जा रही हैं आजकल एक दो साल के ट्रेंड के हिसाब से, तो वो भी एक एड ऑन होना चाहिए। द पॉइंट इज कि आपने सही कह दिया कि यार पहले तो पीवाईक्यूज देखो, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखो, वहां से एनालिसिस करना बहुत जरूरी है कि यूपीएससी आजकल क्या पूछता है और किस हिसाब से चल रहा है, राइट? तो उसके अलावा जैसे अपना पॉलिटी हो गया, तो पॉलिटी इज लाइक लक्ष्मीकांत इज अ बाइबल, राइट? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा ठीक है, एक इसके बीच में मेरा एक क्यूरियोसिटी के बाहर एक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ कि आपने अपनी तैयारी 4 साल 5 साल पहले तैयार शुरू की थी, है ना? तो जैसे लक्ष्मीकांत आपने 4 साल पहले खरीदी थी, तो वो 4 साल तक चलती रही लक्ष्मीकांत, राइट? और हर एग्जाम के लिए पढ़ना पड़ता था लक्ष्मीकांत फॉर पॉलिटी सब्जेक्ट, करेक्ट? तो यू नो करेज टू अगेन यूज द सेम कंटेंट्स, सेम बुक पढ़ना है, वही चीजें बार बार पढ़ रहे हो, तो वो कैसा आप उस मोमेंट को कैसे आप लोग करते थे यार कि चलो करते हैं यार, कुछ थोड़ा मोटिवेशनल तरीका कुछ आप बताना चाहते हो स्टूडेंट्स के लिए जो फेस करते हैं कई बार? जब हम बुक स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टाइम ना, तो हम बस उसको रीड करते हैं, देखा जाए तो हमें कुछ याद नहीं होता उस टाइम पे। सेकंड थर्ड टाइम जब पढ़ोगे तो आपको चीजें याद नहीं स्टार्ट होगी। जब मैं एग्जाम्स देता था और फेल होता था तो पता लगता था कि घर आके यार ये पॉइंट मिस कैसे हो गया, जब नेक्स्ट टाइम पढ़ी तो लगता था अरे ये पॉइंट कहाँ था, ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं। तो उसके अंदर इतना कुछ है कि आपको लाइन टू लाइन आप जब हर बार पढ़ोगे आपको एक बार हर बार एक नई चीज मिलेगी उसके अंदर कि यार ये चीज मिस हो गई थी, तो वहीं से आपको मिलता है कि हाँ यार ये चीज आ सकती है। तो वो एक मोटिवेशन है आप लोगों की, हाँ यार ये मेरे को नया मिला इस बुक के अंदर से, इस चैप्टर में कोई नई चीज मिली है, तो वो बहुत बढ़िया रहती है, तो आप उससे मोटिवेट भी होगे, आपका पढ़ने का मन भी करेगा उसको दोबारा। और इसमें एड ऑन ये कर सकते हैं कि लक्ष्मीकांत अलग अलग यूनिट्स में डिवाइडेड है, तो ऐसा नहीं है कि हमें पहली यूनिट से शुरू करना है, वी कैन स्टार्ट विद द यूनिट लास्ट कॉन्स्टिट्यूशन नॉन कॉन्स्टिट्यूशन से शुरू कर देते हैं, या बीच में पार्लियामेंट चैप्टर पकड़ लेते हैं, और पीवाईक्यूज को रेफर कर सकते हैं कि पीवाईक्यू से सवाल नहीं पूछा जा रहा है, मतलब नहीं आता है, तो ऑब्वियसली एक स्टिमुलस मिलेगा टू अगेन रीड इट,
लक्ष्मीकांत ने लिखा है, पढ़ना पड़ेगा. तो इस तरीके से हम लोग डेराइव कर सकते हैं. ओके ओके. एंड अदर सब्जेक्ट जैसे लॉजिकल रीजनिंग, क्वांट, ये सारे सब्जेक्ट्स आपने कैसे किए थे? अगर मैं बताऊं तो मैंने हर बार ये मिस्टेक की है. एटलीस्ट पहली दो बार में पढ़ के ही नहीं गया मैथ्स को, कि मैंने कहा चलो ये तो हो जाएगा. पर अगर देखा जाए तो उनके दोनों को मिला के लगभग 25 to 20-25 क्वेश्चंस आते हैं. तो दैट अमाउंट्स टू 40-50 मार्क्स, जो बहुत बड़ा नंबर है. एक उस चीज़ को मैं इग्नोर करके चला गया. तो एस्पिरेंट्स को जो आए उनको मैं यही कहना चाहूँगा कि उस चीज़ को इग्नोर मत करो. अगर आप दिन में 10 घंटे पढ़ते हो तो उसमें से एक्चुअली 1 घंटा तो आप दे ही दो मैथ्स के लिए, क्योंकि वो ईजी मार्क्स है. वो पढ़ के आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो और बहुत टफ भी नहीं आता. आज 2-3 साल से तो बहुत आसान मैथ्स आ रहा है. अगर आप उसको कर लोगे तो आपके वो शॉर्ट शॉर्ट मार्क्स है. और अगर आप 40-50 मार्क्स वहां से गेन कर लेते हैं तो अगर आप 100 बाकी सबसे कर लें तो बहुत ही आसान पड़ेगा. ओके ओके. एंड पेपर टू का आप कुछ बताना चाहते हो स्टूडेंट्स को? पेपर टू की तैयारी तो आप एक्चुअली जब आप जीएस पढ़ रहे हो तो आपको पेपर टू की तैयारी तो हो रही है, क्योंकि आपको एसे आने हैं, आर्ग्यूमेंट राइटिंग आनी है, रिपोर्ट राइटिंग आनी है. उसमें कंटेंट तो सारा आपका यूज हो जाएगा, बट आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि वो वहां जाके टाइम मैनेजमेंट हो नहीं पाएगा. अगर आप सीधे वहीं जाके अटेम्प्ट करोगे उस चीज को, तो आपको घर बैठ के ऐसे लिखने हैं, रिपोर्ट राइटिंग करनी है, आर्ग्यूमेंट कैसे लिखते हैं उसके लिए आपको ऑनलाइन वीडियोस देख के आपको समझ आ जाएगी. रिपोर्ट राइटिंग का प्रोसीजर क्या है, लिखने का पूरा फॉर्मेट क्या है, वो भी आपको पता लग जाएगा वहां से. ग्रामर पोर्शन एक बहुत बड़ा चेंजर है इस एग्जाम के अंदर, क्योंकि ग्रामर के वजह से ही बहुत सारे लोग बाहर हो जाते हैं, बहुत सारे लोग अंदर हो जाते हैं. 25 मार्क्स की ग्रामर इसके अंदर आती है, तो ग्रामर को आपको अच्छे से करके जाना है. ओके ओके. सो हाउ मच मार्क्स यू गॉट इन 2018 इन पेपर 2? बिकॉज़ 19 का तो अभी तक मार्क्स नहीं आया. आई होप सो. राइट राइट. तो 2018 में मेरे 73 मार्क्स आए थे और पेपर 2 मेरा, मतलब कि उसकी वजह से ही मैं कह सकता हूं कि 2018 मेरा रह गया, क्योंकि वहां मैं करके नहीं गया तैयारी. 2019 में मैं जितना मैंने टाइम जीएस पेपर 1 को दिया उतने मैंने टाइम पेपर 2 को भी दिया. अच्छा, क्योंकि अच्छा. पता था कि दोनों के मार्क्स ऐड होने हैं तो फिर करके ही जाना है. और अगर मैं 2019 में कहूँ तो मेरे पेपर 1 में मार्क्स उतने अच्छे नहीं आ रहे थे. अच्छा. पर अगर मेरा सिलेक्शन हुआ है तो पेपर 2 की वजह से ही हुआ है. मैंने इस पर टाइम, हाँ बिल्कुल, क्योंकि मैंने इसी पे सारा टाइम फोकस किया था कि पेपर 1 तो कितना मर्जी कर लो आप, एक पॉइंट के बाद आपका मार्क्स स्टैग्नेट हो ही जाता है कि हाँ आप इस रेंज में आओगे, 120 के आसपास आप ले आओगे नंबर. बहुत ज्यादा आप करने लगे 130 ले आओगे, तो पेपर 2 में फर्क बहुत ज्यादा पड़ सकता है. अगर मैं सोचूं तो मेरे मार्क्स इस बार, मेरे को लगता है कि अब 95 होंगे इस बार कम से कम, क्योंकि मैं क्लियर ही तभी कर सकता था अगर इतने नंबर होते. ओके. तो पता नहीं जब मार्क्स. द पॉइंट इज कि फॉर पेपर 2 मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग इज योर कंटेंट व्हिच इज देयर ऑलरेडी गिवन इन द पेपर 1. सो अपने को वही बार बार कंटेंट पढ़ना है और ऐसा नहीं करना चाहिए. आप मतलब उसको आप कॉन्ट्राडिक्ट भी कर सकते हो जो मैं बोल रहा हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आप कंटेंट पढ़िए, बार बार उसको रिवाइज करिए जो कंटेंट ऑलरेडी पेपर 1 में आपने पढ़ा हुआ है. एंड ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप पेपर, आप यू आर कम्प्लीटली न्यू कमर एंड यू गो फॉर अ टेस्ट सीरीज और एनीथिंग, कि मैं फटाफट पहले दिन ही यू नो पेपर 2 की तैयारी करना शुरू कर देता हूँ. राइट राइट. है ना, तो इस तरीके से आपको करना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू बिल्ड योर कंटेंट for from the paper 1 and then use that content in a flow ki aap ek is hisab se likhna shuru kar dein taki aapka time constraint jo hota hai wo bhi ek bahut bada factor hota hai. To I think aapne ekdam time ke andar hi likha hoga aur 2018 mein aapka thoda bahut paper reh bhi gaya hoga shayad aapne jaise bola tha. बिल्कुल बिल्कुल. प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो वहां लेके छूटेगा एग्जाम, ये तो पक्की बात है, क्योंकि 2 घंटे में आपको इतना सारा कुछ लिखना है उसके अंदर, छूटेगा ही छूटेगा अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की हुई. और जैसे अगर मैं एसे की बात करूं तो आपको एसे में तो इसमें बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड आते हैं एसेज. 2019 के एसेज तो बिल्कुल एक्सपेक्टेड लाइंस के ऊपर ही आएंगे, जो आना है वही आए हैं. तो अगर आप न्यूज़पेपर अच्छे से पढ़ रहे हो और आपको लग रहा है कि हाँ ये टॉपिक आ सकता है और आपने वो अच्छे से पढ़ा है, तो आपके लिए बहुत आसान रहेगा. वजह ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, आपके पॉइंट्स टिप्स पे अपने होंगे. okay. तो पेपर 2 की तैयारी करना मस्ट है, उसके बिना एग्जाम क्लियर नहीं आएगा. अच्छा, इसी के रिगार्डिंग, बिकॉज आई थिंक यू स्कोर्ड वेरी डिसेंट इन द पेपर 2 इन 2019, जैसे आपने खुद भी बोला, और मुझे भी लगता है कि बिकॉज ऑफ पेपर 2 ओनली आप रैंक हासिल कर पाए थे अकॉर्डिंग टू वॉट एवर द स्टैटिस्टिक्स आर देयर. तो जैसे दो सवाल हैं, एक तो पहला सवाल तो मेरा यही है पेपर 2 के रिगार्डिंग, कि जैसे आप न्यूज़पेपर की बात कर रहे हो,
ठीक है. सो जो डिफेंस एस्पिरेंट है वो न्यूज़पेपर पढ़ता है, कभी कभी अच्छे से पढ़ लेते हैं बिकॉज यू हैव टू प्रिपेयर फॉर दी एसएसबी आल्सो, इंटरव्यूज आल्सो. बट एक कंसोलिडेशन करना न्यूज़पेपर के सारे आर्टिकल्स को, सारे पॉइंट्स को बिफोर द एग्जैक्ट एग्जाम, जजमेंटल डे से पहले वाला जो टाइम पीरियड होता है उसमें वो कैसे उस चीज को कंसोलिडेट करे, अगर आप कंप्लीटली रिकमेंड करते हो टू एवरी वन दैट न्यूज पेपर इज अ मस्ट, और अगर नहीं है तो आप कुछ और भी बता सकते हो लाइक आपके हिसाब से जो है. न्यूज़पेपर जो है आपको उसको लिखना नहीं कहीं पे, जैसे आप पढ़ रहे हो तो आपको लगेगा पॉइंट जो कहते हैं इसको लिख लो. मेरी स्ट्रेटेजी कभी भी ये नहीं रही, मैं हमेशा न्यूज़पेपर सिर्फ पढ़ता था एक रीडिंग के लिए, क्योंकि जब आप साथ साथ जो चीज चल रही है उसका साथ साथ आप पढ़ रहे हो तो आपके दिमाग में वो रहता है. तो जब आप फाइनली अगर मंथली एंड में मैगजीन भी उठाते हो, कोई भी मैगजीन पढ़ते हो, आप विजन की पढ़ लेते हो या कोई भी मैगजीन पढ़ते हो, तो आपको वो चीज़ कंसोलिडेट उस टाइम पे हो जाएगी. नहीं तो आप मैगजीन पढ़ के आपको एकदम से समझ नहीं आएगा कि पॉइंट्स जंप कहाँ से कहाँ कर रहे हैं. अगर आप डेली रीडिंग करते हो पेपर की तो आपको एक सेट होता रहता है दिमाग के अंदर कि हाँ आज ये हुआ था, इसमें ये पॉइंट नया आया है, तो दिमाग में अपने आप ऐड होते रहते हैं. तो न्यूज़पेपर कभी भी आपको लिखना नहीं है, एक दिन पहले भी पढ़ने नहीं है कि मैंने 10 पढ़े हैं, मैं कोई पढ़ने रात को 100 न्यूज़पेपर एक दिन पहले पहले, तो वो चीज़ पॉसिबल है ही नहीं. तो उसके लिए आपको मैगजीन ही पढ़नी पड़ेगी एंड में. बट न्यूज़पेपर आपको डेली पढ़ने से आपके दिमाग में पॉइंट्स रहने स्टार्ट हो जाएंगे अपने आप धीरे धीरे. ओके, उसका ये फायदा है और आपको अलग अलग पर्सपेक्टिव्स के ना मिलने शुरू हो जाएंगे, पॉजिटिव नेगेटिव. ओके. एंड एक फटाफट दूसरा सवाल इसी से फॉलो अप क्वेश्चन है कि जैसे आप पेपर, आपने बोला कि यार मैंने प्रैक्टिस भी की थी, फॉर एग्जांपल पेपर टू की लिखने की प्रैक्टिस अच्छे से की थी, तो उस सिचुएशन में मुझे ये बताइए कि एक पर्सन को एक एक जो कहते हैं ना एक एक ऐसे लिखना चाहिए डेली, या फिर ऐसा करना चाहिए कि 2 घंटे का एक अपना टाइम सेट कर लीजिए और यू हैव टू राइट एटलीस्ट एसेस, 4 एसेस एंड आर्ग्यूमेंट इन रिपोर्ट राइटिंग इन दैट मैनर, कि 2 घंटे के अंदर पूरा ये 4 चीजें करनी है, 3 चीजें करनी है, कि एक एक ऐसे डेली उसको लिखना चाहिए. व्हाट इज योर टेक ऑन दिस पर्टिकुलर पॉइंट? अगर आप अभी स्टार्ट कर रहे हो या एग्जाम पूरे 1 साल बाद है तो आप एक एक ऐसे स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि उस टाइम पे एस्पिरेंट को इतना आइडिया नहीं होता कि किस तरह से टाइम जो खत्म करना है ऐसे. क्योंकि ऐसे 4 आते हैं 80 मार्क्स के होते हैं, सबसे बड़ा रोल वही प्ले करते हैं और सबसे टाइम भी उन्हीं में ही लगता है लिखने के लिए. तो आप स्टार्टिंग में तो एक एक ऐसे स्टार्ट कर सकते हो, पर कि जैसे आप एग्जाम के पास आने लग जाते हो तो आपको उस टाइम पे पूरा मॉक देना है. आप कोई भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो, टेस्ट सीरीज नहीं भी ज्वाइन कर दी तो नॉर्मल ऑनलाइन बहुत सारे टॉपिक्स मिल जाते हैं आपको, आप उसको लिखो और लिखो ऐसे कि हाँ अगर आप एक नहीं 2 ऐसे तो लिखो एटलीस्ट एक बार में बैठ के, कि आपको टाइम का आइडिया लगे कि हाँ. क्योंकि एक तो हम लोग देख लेते हैं कि 4 में से जो अच्छे था तो उसको लिख लो, पर जो अच्छे से नहीं आता है उसके लिए आपको एटलीस्ट 2 ऐसे तो लिखने हैं एक टाइम में, ताकि आपका टाइम मैनेजमेंट साथ होता रहे. ओके. तो अब हम लोग बात करते हैं आपका जो फिजिकल मेडिकल एग्जाम हुआ था, तो कुछ कोई पॉइंट अभी पीपल हैविंग देयर फिजिकल मेडिकल एग्जामिनेशन, तो आप कुछ बताइए कुछ चीजें. इसका फिजिकल मेडिकल उतना टफ नहीं है, अगर आप 1 और 1.5 मंथ्स पहले आप स्टार्ट कर देते हैं थोड़ी बहुत करना एक्सरसाइजेस वगैरह एंड लॉन्ग जंप की तैयारी करना बहुत इंपॉर्टेंट है. बट कभी कभार क्या होता है कि एस्पिरेंट ज्यादा ही करने लग जाते हैं तो वो इंजर वगैरह हो जाते हैं. मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स ऐसे हुआ कि वो बहुत ज्यादा करने के चक्कर में पहले इंजर हो गए और उनको पीएचडी देने का मौका ही तक नहीं मिला. तो आपको करना है एक लेवल पे करो जितना आपको चाहिए, क्योंकि बहुत इसका टफ तो है नहीं, 100 मीटर 800 मीटर लॉन्ग जंप एंड शॉर्ट पुट, तो आप वो आराम से निकल जाता है. अगर आप 2-3 1.5 महीने पहले स्टार्ट कर दो तो बहुत आराम से वो चीज हो जाती है, तो उसके लिए कोई टेंशन जरूरत नहीं है. और मेडिकल एग्जाम भी इसका बहुत आसान है, इट इज नॉट लाइक एनडी और सीडीएस एग्जाम की, मिलिट्री वालों की तो इतना टफ नहीं है इनका मेडिकल. करेक्ट. तो मतलब एक सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी ये है कि आपके पास 30 दिन है, तो 30 दिन के अंदर स्टार्ट रनिंग, 5 किलोमीटर रन कर लीजिए. अगर 5 किलोमीटर एक टाइम पे बहुत डिफिकल्ट लग रहा है तो स्टार्ट डूइंग 3 किलोमीटर रन इन द मॉर्निंग एंड 2 किलोमीटर इन द इवनिंग. सो इस बिल्कुल बॉडी में एकदम एक कहते हैं ना कि वो एजिलिटी हो जाती है, बॉडी एनर्जाइज हो जाती है, तो वो सारा प्रोसेस जो है इसके अंदर एक चीज करने के थ्रू ही सब कुछ सॉर्ट आउट हो सकता है इन द फिजिकल. एंड मेडिकल इज लाइक इतना टफ तो होता ही नहीं है. एंड अब हम लोग बात करते हैं अल्टीमेट चीज, इंटरव्यू, जो कि गेम चेंजर होती है. और आई थिंक आप तो एकदम आपने यू मस्ट हैव गॉट वेरी गुड मार्क्स इन द इंटरव्यू दिस टाइम. 2019 में आपका कौन था पैनल और कैसा ओवरऑल इंप्रेशन कैसा रहा आपका? मेरा पैनल था बीएस बसी सर का. ओके. तो वो सर तो वैसे भी बहुत मशहूर है कि उनके इंटरव्यू बहुत हार्ड होते हैं या वो बच्चों को बाहर बुला के ही भेजते हैं. अच्छा अच्छा. मेरे इंटरव्यू बहुत मतलब काम और कंपोज बहुत अच्छा रहता है,
एक्चुअली मैंने तुझे एटी में जब इंटरव्यू दिया था तब भी मतलब ऐसे कि वो कभी डराते नहीं है. इंटरव्यू का हम लोग खौफ होता है कि यार वहाँ पे पता नहीं वो क्या पूछ लेंगे क्या कर लेंगे, पर वो आपको बहुत अच्छी तरह बिठा के आपको बहुत प्यार से उनको स्टार्ट करते हैं कि बच्चा एकदम से माहौल में ढल जाए, उसको कोई टेंशन नर्वसनेस का बिल्कुल रह जाए. तो इंटरव्यूअर्स तो बहुत ही बढ़िया होते हैं, आपको बस बहुत ही वहाँ पे अपने को जेन्युइन रखना है, बहुत ऑनेस्ट रहना है. और इंटरव्यू तो इंटरव्यू की तैयारी लेकिन आपको करनी पड़ेगी. आप ऐसा नहीं कर सकते कि यार मैं जेन्युइन रहूंगा मैं पढ़ के कुछ नहीं जाऊंगा, ऐसा नहीं हो सकता. आपको करंट अफेयर देखने पड़ेंगे, आपको सारा अपने बारे में जानना पड़ेगा. जो आपने डैफ फेल किया है आपको डैफ की एक एक बात अपने बारे में पता होनी चाहिए कि हाँ यार मैंने इसमें ये लिखा है. तो मुझे अगर आप कहीं भी रहते हैं तो आपको उस एरिया के आसपास के हर चीज का आइडिया होना चाहिए, क्योंकि वो कुछ भी पूछ सकते हैं. So, आपका जो 2018 में इंटरव्यू हुआ था उसमें आपका कौन चेयरपर्सन था इंटरव्यू में? उसमें थे मेरे भारत भूषण व्यास सर थे इंटरव्यूअर. अच्छा, वो चेयरमैन थे उसमें. ओके, तो वहां मेरे 87 मार्क्स आए थे. अच्छा, आई थिंक उसकी वजह से भी कहीं हद तक मेरा सिलेक्शन रह गया था, क्योंकि वहां जो गलतियां की थी वो मैंने सोचा कि उसको रेक्टिफाई किया जाए 2019 के अंदर, वो गलतियां ना की जाए. You got, I think, 275 or 276 marks in 2018. Right. So the cutoff was around 280 for general. 280, right? So, guys, इस तरीके से समझ आता है कि बंदा चार मार्क्स से रह गया. मतलब इनका चार मार्क्स से रह गया. एक ऐसा भी, बहुत सारे ऐसे भी होंगे, कुछ ही ऐसे होंगे जो एक मार्क्स के नीचे 10 बंदों की लिस्ट लगी हुई है, 10 बंदे हैं और उसमें से 2 बंदे सिलेक्ट हो रहे हैं. So this is what it is. तभी बंदे को ultimately जब उसको मिल जाता है तो उसको जो emotions होते हैं वो बाहर निकलते हैं with the parents, family, दोस्तों के साथ. तभी वो emotions, genuine emotion बाहर निकलते हैं. तो रोहन, इसके अलावा मैं आपसे ये पूछूंगा कि यार suppose कि आपका CAPF में भी नहीं होता, which is very prestigious and very good job, CAPF में भी नहीं होता, आपका civil services में भी नहीं होता, और आपकी ऑब्वियसली एक एज होती रहती है, बढ़ती जाती है, तो उस सिचुएशन में आपका एक कोई बैकअप ऑप्शन था कि लेट्स डू दिस वन, या अल्टीमेटली कुछ कनाडा वाला ऑप्शन बन जाता? नहीं, वो कोई कभी ऑप्शन था ही नहीं कनाडा जाने का. तो मेरा बैकअप यही था कि यार मैंने इंजीनियरिंग की हुई है, बीटेक की है, अच्छे से की है, रेगुलर जा जाके की है. तो अगर कुछ नहीं हुआ एंड में फाइनली, तो मैं दोबारा कोई कंपनी ज्वाइन कर सकता हूँ. लाइफ है यार, हर चीज आपके लिए नहीं बनी. हो सकता है कभी आपके कुछ क्लिक होए, कभी क्लिक ना होए. तो आपको उससे कभी डिमोटिवेट नहीं होना है, अपने पर कॉन्फिडेंस रखना है कि हाँ यार मैं अपनी जिंदगी में अच्छा कर सकता हूँ. तो मैंने रखे हुए थे बैकअप ऑप्शन कि अगर कुछ नहीं हुआ तो प्राइवेट सेक्टर है, दोबारा वहां चला जाऊंगा, क्या हो जाएगा, 4-5 साल लेट हो जाऊंगा, अपने बाकी फ्रेंड से पीछे आ जाऊंगा, क्या हो जाएगा उससे ज्यादा, और मेहनत करूंगा बराबर आ जाऊंगा. वो कोई बड़ी बात नहीं है, इंसान को हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, कुछ भी हो जाए. इतने फेलियर्स देखे हैं, मैं रुक जाता तो फिर ये भी नहीं मिलता. और चलिए फिर रोहन, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके. ये इसीलिए नहीं, बिकॉज एक पैटर्न जो टॉपर्स के अंदर देखा जाता है, चाहे वो सिविल सर्विसेज का है या असिस्टेंट कमांडेंट जो टॉपर्स होते हैं उनके बीच में, कि दे आर वेरी जेन्युइन एंड हम्बल पीपल. वो हम्बलनेस ना, चाहे बंदा जितना भी इनिशियली ईगो में जाता है कि यार मैं तो एक साल में फोड़ने वाला हूँ, मैं 2 साल में करने वाला हूँ, वो सारा जो होता है वो कहीं ना कहीं आप फेलियर्स, रिजेक्शन से जब मिलते हैं तो आपको वो एटीट्यूड डेवलप हो जाता है. सेम एज जैसे जो पैरा ट्रूपर्स होते हैं, पैरा स्पेशल फोर्सेस के लोग होते हैं, वो होते हैं लीथल बट बेस्ड ऑन द सर्कमस्टांसेस. तो सेम अप्लाइज टू यू ऑल्सो, आप में भी वही पैटर्न है, वही हम्बलनेस है, वही एक एक थॉट है कि कम्युनिटी सर्व करना है. दैट इज द रीजन यू केम हियर एंड यू गेव योर वैल्यूएबल टाइम टू अस, ताकि एक प्लेटफॉर्म के थ्रू आपके थॉट्स लोगों तक पहुंच पाए. तो रोहन, एनीथिंग यू वांट टू से टू ऑल दोस एस्पायरिंग कैंडिडेट्स कि भैया करो इस हिसाब से करना पड़ेगा, एनीथिंग वर्ड ऑफ विजडम? जितने भी एस्पिरेंट आ रहे हैं लगे रहो यार, छोड़ना नहीं है. एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार नहीं हो रहा, लगे रहो, बिल्कुल नहीं छोड़ना. क्योंकि वो कहा गया ना, कर हर मैदान फतेह, फतेह हो ही जाएगी एंड में. अगर तुम अगर लगे रहोगे तो हो ही जाएगा सब कुछ. तो रुकना नहीं है, बस लगे रहो, अपने पे कॉन्फिडेंस रखो, अपने आप को बैक करो और बस करते जाओ. चलिए ठीक है, ठीक है. तो दैट इज ऑल फॉर टुडेज इंटरेक्शन. और हम लोग कोशिश करेंगे कि रोहन के बाद, रोहन अल्टीमेटली जो इनका ड्रीम है कि वो ट्रेनिंग में 3 स्टार्स, ये सारी चीजें जो है, दे आर जस्ट होपिंग कि ये सॉर्ट ऑफ ऑनर ये सारी चीजें जो है इनके हाथ में हो. राइट सर? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ट्राई करेंगे. ओके ओके, तो थैंक यू रोहन, इट वॉज नाइस इंटरेक्शन, एंड जय हिंद.
थैंक यू वेरी मच. जय हिंद. थैंक यू सर.